राजगढ़ की जुबली पिंजरापोल गौशाला का आज विधायक कृष्णा पुनिया ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदीश बरवड़, अपर पुलिस अधीक्षक भरत राज भी मौजूद रहे। विधायक ने गौशाला की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए इसके लिए प्रबंध समिति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्व में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जो दिशा निर्देश दिए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। देखिए, मैं जब यहाँ पे विजिट करने आई हूँ, विशेष तौर पे आपने देखा कि चूरू जिले में काफ़ी ठंड पड़ती है। 13 तारीख को इनको निर्देश दे दिए गए थे कि सर्दी काफ़ी है, पशुओं को सर्दी से बचाव के लिए आपको पर्दे की व्यवस्था करनी चाहिए। आप अभी भी देख सकते हैं जो इन्होंने पर्दे 2 तारीख के बाद इन लोगों ने लगाए हैं, जब कम से कम 2 गायें मर चुकी थी, वो भी पर्याप्त नहीं है। आप देख सकते हैं, अपने कैमरे में दिखा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था की बात है, गायें जो हैं गोबर के अंदर बैठी रहती हैं। अभी 2 तारीख को ये भी था कि 13 गायें जो हैं वो काफ़ी गंभीर व्यवस्था में है। अभी यहाँ पे 5 गायें हैं, और इसके साथ साथ मैंने खुद ने विजिट करके देखा जहाँ पर गायों को दफनाया जा रहा है। अब मैं, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि कोई व्यक्ति अपनी अर्थी पहले बांध के रखता है क्या? गौशाला की तरफ से पहले गड्ढे खोद कर तैयार कर लिए गए हैं, ये नहीं सोचा गया कि जो बीमार गायें हैं इनको बचाने के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए थी उनको मरने के बाद दफनाने वाली पहले व्यवस्था की गई है। और दूसरे, जिस खुले मैदान में जहाँ पर इन्होंने ये पीछे एक और बाड़ा कर रखा है, उसमें पीने के पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। गोबर का ढेर वहाँ पर लगा हुआ है, और गायें की जो हालत है वो आप अपने कैमरा से दिखा सकते हैं। जिस तरीके से ये लोग अनुदान लेते हैं सरकार से, गायों का 40 रुपये और छोटे बछड़ों का जो है 20 रुपये तक का, और मुझे नहीं लगता कि जो ये व्यवस्थाएँ हैं इनसे ये गायें ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगी। और बड़े शर्म की बात एक और भी है, इसी गौशाला का एक हिस्सा है, दूसरी जो गौशाला जो शहर के अंदर है, उसमें दुधारू गायें रखी हुई हैं जिनसे ये दूध लेते हैं, वहाँ पे उनकी सेवा हो जाती है, और यहाँ की गायों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इनके मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, साथ में मेरे संबंधित अधिकारी हैं, कि जिस हिसाब से निर्देश गौशाला को दिए गए थे, मैं ज़रूर कहूंगी कि जब तक आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये व्यवस्थाएं वैसे ही चलती रहेंगी, ऐसे ही ये गो भक्त बने रहेंगे और ये गायें वैसे ही मरती रहेंगी। नाराजगी व्यक्त करते हुए विधायक ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक बरवड़ को गौशाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए। वहीं विधायक ने कहा कि जिला कलेक्टर गौशालाओं की समिति के अध्यक्ष हैं, वह जिला कलेक्टर एवं जयपुर में मंत्री से मिलकर इस गौशाला के खिलाफ कार्रवाई करवाएगी। उल्लेखनीय है कि गत माह कड़ाके की सर्दी के कारण गौशाला में करीब 74 गायों की मौत हो गई है। बोला ये पर्दे हैं क्या? आप रात भर बैठ सकते हैं? तो फिर आप क्यों तरफदारी कर रहे हो जब आपका काम नहीं है? तो तरफदारी नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, कम है कहने का। हम कलेक्टर साहब, क्योंकि इस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो कलेक्टर साहब हैं, और कलेक्टर साहब तक ये बात करके हम इसके ऊपर FIR बिल्कुल दर्ज कराएंगे। जिस तरीके से गड्ढे खुदे हुए मिले, जिस तरीके से गायें दफनाई हुई वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, निश्चित तौर पर FIR बनती है, क्योंकि निर्देश 13 तारीख से दिए जा चुके थे, बावजूद उसके इन्होंने कोई नहीं किया, और अब जो किया वो भी पर्याप्त नहीं है।